डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ गेम्स थियरी। तो अगर किसी गेम में दो प्लेयर्स है जिसमें से किसी एक प्लेयर की दो ही स्ट्रेटेजीज है तो पे ऑफ मैट्रिक्स 2×n के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसी गेम को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें वैल्यू ऑफ द गेम एरिथमेटिक मेथड से या फिर एलजेब्रिक मेथड से मिल सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल। एग्जांपल में हमें दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए, आल्सो फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम यूजिंग एरिथमेटिक मेथड। तो यहां पर जो गेम दी है उसमें दो प्लेयर्स है, ए एंड बी। ए की दो स्ट्रेटेजी है A1 एंड A2, बी की पांच स्ट्रेटेजी है B1, B2, B3, B4 एंड B5। यहां पर भी हम यही एज्यूम करेंगे कि पे ऑफ मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लेयर है वो विनर है और पे ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो प्लेयर है वो लूजर है, यानी कि प्लेयर ए विनर होगा और प्लेयर बी लूजर होगा। ठीक है, अभी हमें बोला क्या है एग्जाम्पल में कि हमें प्लेयर ए के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो सपोज प्लेयर ए A1 स्ट्रेटेजी चूज करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P। ठीक है, सपोज प्लेयर ए A2 स्ट्रेटेजी चूज करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1-P। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है कि B अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, उसके हिसाब से A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखना है। ठीक है, तो बीज प्योर स्ट्रेटेजी एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ओके, तो बी की पांच स्ट्रेटेजी है, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, तो अभी हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे फाइंड करना है। सपोज मुझे B1 स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ चाहिए, तो 4×P प्लस 2×1-P। तो ये क्या होगा, 4P प्लस 2×1-P, यानी कि 4P प्लस 2-2P। तो ये क्या हो जाएगा, 2P प्लस 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2P प्लस 2। B2 के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहेगा, 2×P प्लस 7×1-P। सो 2P प्लस 7×1-P, सो 2P प्लस 7-7P। तो ये क्या होगा, -5P प्लस 7। अभी B3 के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड करते हैं तो क्या रहेगा, 1×P प्लस 8×1-P। सो P प्लस 8×1-P, सो P प्लस 8-8P। तो ये क्या होगा, -7P प्लस 8। B4 के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहेगा, 7×P प्लस 1×1-P, यानी कि 7P प्लस 1×1-P। सो 7P प्लस 1-P, सो 6P प्लस 1। B5 के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहेगा, 3×P प्लस 5×1-P। सो 3P प्लस 5×1-P, सो 3P प्लस 5-5P, सो -2P प्लस 5। ओके, अभी हमें क्या करना है, P इज इक्वल्स टू 0 और P इज इक्वल्स टू 1 के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड करना है। ओके, तो B1 के लिए P इज इक्वल्स टू 0 पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहेगा, 2×0 प्लस 2, यानी कि 2।
बी टू के लिए माइनस फाइव इंटू जीरो प्लस सेवन यानी कि सेवन, बी थ्री के लिए माइनस सेवन इंटू जीरो प्लस एट यानी कि एट, बी फोर के लिए सिक्स इंटू जीरो प्लस वन यानी कि वन, बी फाइव के लिए माइनस टू इंटू जीरो प्लस फाइव यानी कि फाइव। ओके, अभी बी वन के लिए p इज इक्वल्स टू वन पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहेगा, टू इंटू वन प्लस टू यानी कि फोर, बी टू पर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सेवन यानी कि टू, बी थ्री पर माइनस सेवन इंटू वन प्लस एट यानी कि वन, बी फोर पर सिक्स इंटू वन प्लस वन यानी के सेवन, बी फाइव पर माइनस टू इंटू वन प्लस फाइव यानी कि थ्री। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहां पर हमने ग्राफ बनाया है, ए वन और ए टू दिया है, तो पी इज इक्वल्स टू जीरो वाली वैल्यू हम ए वन पर लेंगे और p इज इक्वल्स टू वन वाली वैल्यू हम a2 पर लेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि b1, b2, b3, b4 और b5 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो और p इज इक्वल्स टू वन की जो वैल्यूज मिल रही है उसे हम स्ट्रेट लाइन से ग्राफ में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो b1 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू है टू, यहां पर मैं b1 लिख देता हूं और p इज इक्वल्स टू वन पर वैल्यू है फोर, इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ओके, b2 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू है सेवन, यहां पर मैं b2 लिख देता हूं और p इज इक्वल्स टू वन पर वैल्यू है टू, इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ओके, b3 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू है एट, यहां पर मैं b3 लिख लेता हूं और p इज इक्वल्स टू वन पर वैल्यू है वन, इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके, b4 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू है वन, यहां पर मैं b4 लिख देता हूं और p इज इक्वल्स टू वन के लिए वैल्यू है सेवन, इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, b5 के लिए p इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू है फाइव, यहां पर मैं b5 लिख लेता हूं और p इज इक्वल्स टू वन पर वैल्यू है थ्री, इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, प्लेयर ए के लिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो हम प्लेयर ए को क्या मानते हैं, विनर, यानी कि वो मैक्सिमम प्रिंसिपल का यूज करेगा, यानी कि वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा। तो हमें ग्राफ में लोअर बाउंड्री देखनी है, तो लोअर बाउंड्री कौन सी है, ये। ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है उसे हम बोलेंगे मैक्सिमिन पॉइंट या फिर मैक्सिमिन वैल्यू। ओके, अभी हमें यह देखना है कि यह मैक्सिमिन पॉइंट कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो टू फोर यानी कि बी वन एंड एट वन यानी कि B3, तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, प्लेयर B एंड प्लेयर A, A1, A2, B1, B3। ओके, वैल्यूज लिख लेते हैं, फोर टू वन एट। ओके, अभी हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मेथड की मदद से
वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो डिफरेंस प्रोबेबिलिटी, यहां पर कॉलम डिफरेंस प्रोबेबिलिटी, ओके। तो रो डिफरेंस हमें कैसे लेना है, अगर रो वन के लिए हम डिफरेंस ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम रो टू में रखेंगे, और अगर हम रो टू के लिए डिफरेंस ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम रो वन में रखेंगे, ओके। तो फर्स्ट रो का डिफरेंस क्या है, थ्री, उसे हम यहां पर लिखेंगे। सेकेंड रो का डिफरेंस क्या है, सिक्स, उसे हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है, तो रो डिफरेंस ऊपर पर्टिकुलर रो के लिए डिवाइडेड बाय दोनों रो डिफरेंस का समेशन, सो 6/9 यानी कि 2/3, ओके। रो टू के लिए प्रोबेबिलिटी 3/6+3 यानी कि 3/9 यानी के 1/3, ठीक है। सेम कॉलम डिफरेंस में हमें क्या करना है, कॉलम वन का डिफरेंस टू में लिखना है और कॉलम टू का डिफरेंस वन में लिखना है, तो कॉलम वन का डिफरेंस आ रहा है 2 और कॉलम टू का डिफरेंस आ रहा है 7, तो उसे हम यहां पर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी सेम वैसे ही, यहां पर क्या होगा 7/7+2 यानी कि 7/9, और यहां पर 2/7+2 यानी कि 2/9, ओके। अभी हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द गेम, वो कैसे मिलेगी, 4 × 2/3 प्लस 2 × 1/3, सो 8/3 प्लस 2/3 यानी के 10/3, ओके। अभी हमें ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी भी लिखनी है, तो पहले ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए क्या रहेगी, 2/3 and 1/3, ओके। अभी हमें लिखना है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ बी, तो बी की टोटल 5 स्ट्रेटेजी थी और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कितनी मिलेगी, 2, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, B1, B2, B3, B4 and B5, तो B1 के लिए 7/9, B2 यहां पर नहीं है तो 0, B3 के लिए 2/9, B4 और B5 यहां पर नहीं है तो 0, 0, ठीक है। आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।